वेरी गुड मॉर्निंग सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेबर्स थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का है और इन अदर क्लासेज जैसे कि बीकॉम, एमबीए और बीबीए, उन सब में भी ये टॉपिक है, तो आप सब इससे पढ़ सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस है हमारा 2022 ईयर का। सो इन दिस, अल्फ्रेड वेबर जो थे एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, मीन्स उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होनी चाहिए, है ना, प्लांट लोकेशन कहाँ होनी चाहिए और किस जगह पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो वो पहले थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीस्ट कॉस्ट थ्योरी इन हिज बुक। इस थ्योरी को, एफ वेबर थ्योरी को, उनकी बुक है यूबन अबर्ड एंड स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियन, उसे लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी कहा है। ये जर्मन में थी पहले, फिर उसके बाद जर्मन में जब ये पब्लिश हुई तो 1909 में हुई थी, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1929 में। ओके, ये रिमेंबर करना आप लोग इसे। ही एनालाइजिस मेथड इज डिडक्टिव एंड हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल स्टडी ऑफ जनरल फैक्टर्स। उन्होंने एनालाइज किया, मतलब उन्होंने ध्यान दिया कि मेथड जो है डिडक्टिव, मतलब कम है, और उनकी थ्योरी एनालिटिकल है जनरल फैक्टर्स पे स्टडी करते हुए। डेट पुट ऑल एन इंडस्ट्री टूवर्ड्स डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। उन्हें बताया जनरल फैक्टर्स पर इंडस्ट्री जो है डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पर है। और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो कहते हैं व्हाई डू इंडस्ट्रियल यूनिट्स कम टू बी एस्टेब्लिश वेयर दे आर, कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है हम क्यों बनाएं और कहाँ बनाएं, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारी वो ही हमारी प्लांट लोकेशन। थ्रू अ कॉस्ट एनालिसिस प्रोसेस, उन्होंने कॉस्ट को देखा। वेबर्स अराइव एट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कॉस्ट प्रोसेस को देखा, कॉस्ट की मतलब अनुभव लगा, एनालाइज किया कॉस्ट को। फिर वो पहुँचे कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉस्ट के हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ अ प्लांट कम उन्होंने ऐसे इसमें थ्योरी में ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड उन्होंने बताया है। नाउ वी विल डिस्कस अजम्पशंस ऑफ वेबर्स थ्योरी। वेबर्स ने कुछ अजम्पशंस दिए अपनी थ्योरी में, वो क्या क्या, सेंटर ऑफ कंजम्पशन आर फिक्स, जहाँ पर कंजम्पशन होगा वो वाले सेंटर मीन वो जगह फिक्स होनी चाहिए। सेंटर ऑफ लेबर सप्लाई, लेबर किस जगह से आएंगे वो भी फिक्स होने चाहिए, उसका सेंटर मीन्स लेबर प्लेस भी फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि लो कॉस्ट लगेगी। अभी ज़रा ढूंढने जाएंगे हम लोग लेबर तो हमारी ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट जाएगी, है ना, हम ढूंढेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव लेबर आ गए, तो इस वजह से सेंटर ऑफ लेबर सप्लाई फिक्स होना चाहिए, कंजम्पशन फिक्स होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज सेम एट ऑल प्लेस, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हर जगह पर सेम होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिपेंड करेगी वेट ऑफ मटेरियल पे और डिस्टेंस पे, मीन्स जो कैरेज वगैरह होंगे, फ्रेट वगैरह जब ट्रांसपोर्ट करेंगे वो किस चीज़ का, बस का कोई चीज जाएगी, तो वेट ऑफ मटेरियल और डिस्टेंस कि उस मटेरियल में, उस रॉ मटेरियल में कितना वेट है और डिस्टेंस कितनी दूर तक जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से वो कितना भी ले ले, ज़्यादा ले ले और कम भी नहीं, है ना, बस एक अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए कॉस्ट। ऑल फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, जो फैक्टर्स हमारे वेबर्स ने बताए थे उन्हें उसने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन, इसमें प्राइमरी फैक्टर्स आएंगे। प्राइमरी फैक्टर्स को हम लोग रीजनल फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ओवर डिफरेंट रीजन, सही है, अलग अलग इंडस्ट्री यूनिट्स को इफेक्ट करती है वो अलग अलग रीजन से। फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स में हमारे दो फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, ये हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों में दो दो कंडीशंस हैं, लेट्स रीड। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे दो दो कंडीशंस, अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो कंडीशंस में रिक्वायर होती हैं, एक होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट में और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू प्लांट, अगर कैरिंग कॉस्ट मीन्स रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाने में, इंडस्ट्री तक ले जाने में जो कॉस्ट आई वो ज़्यादा हुई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लांट टू मार्केट, मतलब उस वाली कॉस्ट से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब फिनिश गुड्स तैयार हो गया उससे मार्केट तक ले जाने में, अगर ये कॉस्ट ज़्यादा हुई तो हमारा लॉस हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे सही करने के लिए, प्लांट लोकेशन शुड बी लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल सोर्सेस। प्लांट लोकेशन जो है वो रॉ मटेरियल के नियर लोकेट करना पड़ेगा, समझ में आ गया आप लोगों को।
मैं दोबारा बताती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसे अंडरस्टैंड करने में, मुझे भी हुई थी जब मैं पढ़ रही थी। तो अब मैं बता रही हूँ, कैरिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा हुई रॉ मटेरियल टू ओरिजिन टू प्लांट तक की, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम हुई प्लांट टू मार्केट तक की, तो हमें इसे सही करने के लिए प्लांट लोकेशन को रॉ मटेरियल के पास लाना होगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें कैरिंग कॉस्ट ओरिजिन टू प्लांट वाली कम हुई और फिनिश गुड्स टू प्लांट टू मार्केट वाली ज़्यादा हो गई, तो इसे सही करने के इंडस्ट्रीज़ को मार्केट के पास सेटअप करना। इससे हमें ये पता चला कि प्लांट लोकेशन, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रीज़, ये तीनों जो है एक पर्टिकुलर एरिया में इस्टेब्लिश होनी है, मतलब आसपास हो, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन वो कम लगेगी। ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फैक्टर। हमारे लेबर कॉस्ट सेक्टर, लेबर कॉस्ट सेक्टर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेबर इंडस्ट्री जो है वो लोकेट होनी चाहिए सेंटर ऑफ चीप एंड बेस्ट लेबर सप्लाई। इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखे, इंडस्ट्रियल एरिया मोस्टली ना गांव वगैरह में होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लेबर चीप मिल जाती है और बेस्ट लेबर भी मिल जाती है ना, एक उसमें एक अफोर्डेबल प्राइस में लेबर काम करने को तैयार हो जाती है वहाँ पर। इस वजह से वेबर्स ने बताया कि इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहिए सेंटर ऑफ चीप एंड बेस्ट लेबर सप्लाई के पास। और लेबर कोफिशिएंट, लेबर निकालने का एक हमारा फॉर्मूला भी, लेबर कॉस्ट इंडेक्स है उसमें अपॉन में लोकेशनल वेट। अब हम बताते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। लेबर कॉस्ट इंडेक्स होता है प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट टू द वेट ऑफ द फिनिश गुड्स। लेबर कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन होगा और वेट ऑफ फिनिश गुड्स, इन्हें देखकर हम इनको आप इन्हें इनका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा लेबर कॉस्ट इंडेक्स। लोकेशनल वेट, टोटल वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने लिख लिया क्योंकि हमारी बुक में था। ओके, अब पढ़ेंगे, अब इससे पता चलेगा हमें जब हमारा लेबर कोफिशिएंट हायर आएगा, ग्रेटर होगा, तो टेंडेंसी प्लान टू बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ चीप लेबर सप्लाई, तो ज़्यादा होगी। अगर ये हमारा ज़्यादा आया तो हम लोग उस जगह पर बेस्ट लेबर सप्लाई है, मतलब सेंटर ऑफ चीप बेस्ट लेबर सप्लाई है, लेबर कॉस्ट फैक्टर वहाँ पर काम करेगा। अब आइए हमारी, वेबर्स क्लोजली एग्जामाइन रॉ मटेरियल्स नेचर एंड ग्रुप देम एज। वेबर्स ने रॉ मटेरियल्स को एग्जामाइन किया, उन्हें समझा और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लोकलाइज मटेरियल्स एंड यूबिक्यूटस मटेरियल्स। लोकलाइज मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिनका प्लेस लोकलाइज होगा, मींस वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगे, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, वुड एटसेट्रा, सही है। इनका जो फिक्स होगा ना, मतलब क्रॉप, इनकी क्रॉप जो होगी वो एक पर्टिकुलर एरिया में होगी और वहीं से इनका रॉ मटेरियल आएगा। यूबिक्यूटस मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कहीं भी मिल जाते हैं आसानी से, वी गेट दोज मटेरियल्स ईजिली, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ब्रिक्स, क्ले, सैंड एटसेट्रा, है ना। वाटर हमें हर जगह मिल जाएगा, ब्रिक्स में, ब्रिक्स भी मिल जाएंगे और ये रेत वगैरह ये भी हमें मिल जाती है ना। लोकलाइज मटेरियल्स, ये जो मटेरियल्स थे इन्हें वेबर्स के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए, डेट इज ग्रॉस मटेरियल्स एंड अदर वन इज ऑन द नेक्स्ट पेज, वी विल रीड लेटर। ग्रॉस मटेरियल्स क्या होंगे, आर कॉल्ड ऑल्सो वेट लूजिंग मटेरियल्स। ग्रॉस मटेरियल्स वो मटेरियल है जो अपना वेट लूज कर देते हैं एट द टाइम, एट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल शुगर, उसका शुगर का जो वेट है वो कम हो जाता है शुगर केन से, है ना, शुगर केन से कम हो जाता है। शुगर केन से तो आती है शुगर, जब उसका प्रोडक्शन होता है, जब शुगर बनाई जाती है, तो वो अपना वेट लूज करके वो छोटी छोटी हो जाती है, उससे उसका वेट लूज हो जाता है। और ग्रॉस मटेरियल्स, और ग्रॉस मटेरियल्स के अनदर टाइप्स भी हैं, मतलब ग्रॉस मटेरियल्स में एक और टाइप आता है, ग्रॉस मटेरियल का तो जो अलग टाइप है उसमें जो ग्रॉस मटेरियल्स होंगे वो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन और वो कोई भी वेट ऐड नहीं करते फिनिश प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, कोल इज़ यूज इन द फर्नेस ऑफ एन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। कोल यूज़ होता है, कोल जब आयरन फर्नेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो उसका बिल्कुल वेट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसलिए वो टोटली कंज्यूम हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। अब हमारे आते हैं सेकंड लोकलाइज मटेरियल से, हमारे प्योर मटेरियल। हमने ग्रॉस मटेरियल्स पढ़ लिए, अभी हमारा प्योर मटेरियल, ये बिल्कुल प्योर होते हैं, ये नॉन वेट लूजिंग मटेरियल, ये वेट इनके नेम से पता चला ये प्योर है, प्योर रहेंगे, इनका वेट लूज नहीं होगा, विच डू नॉट लूज योर वेट इन द प्रोडक्शन एंड देयरफॉर द वेट एट द फिनिश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेट ऑफ द रॉ मटेरियल। जब ये प्रोडक्शन, इनका वेट जो प्रोडक्शन से पहले था वही रहेगा प्रोडक्शन के बाद भी, तो इसलिए इन्हें प्योर मटेरियल्स कहा गया। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुड, आयरन एंड आयरन वुड एंड एटसेट्रा, इन तीनों का वेट सेम रहता है ना। एंड देन सेकेंड हमारे फैक्टर्स से प्राइमरी फैक्टर्स हो गए, सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन। सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन को वेबर ने फैक्टर्स में डिवाइड किया गया, एक तो एग्लोमिलेटिव और एक डिक्लेरेटिव।
इन्हें हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा, इसमें जो फैक्टर्स आते हैं हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। सेकेंड फैक्टर्स में आते हैं हमारे फैसिलिटीज़ लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड एटसेट्रा। ओके बस क्लास, आज के लिए हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सेकेंड फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और एज यू इफ यू लाइक यू कैन शेयर ऑल्सो।